लगातार हो रही कौओं की मौत के बाद दहशत का माहौल बन गया है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते नगरपालिका ने मृत कौओं को इकट्ठा कर पशु चिकित्सा विभाग को जांच के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पशु चिकित्सा विभाग के लैब टेक्नीशियन अंकित जैन ने सैंपल्स भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे हैं। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर साई मंदिर और मोती सागर तालाब किनारे स्थित गणेश मंदिर सहित विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में कौओं के शव दिखने के बाद जागरूक लोगों द्वारा नगरपालिका को इसकी सूचना दी गई। बता दें जिसके बाद आगर नगरपालिका के स्वच्छता निरीक्षक बसंत डूलगज ने पशु चिकित्सा विभाग से एक कौए के शव को विधि पूर्वक पैक करवा कर जाँच के लिए भोपाल लैब भेज दिया है। जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि कौओं की मौत बर्ड फ्लू से हुई है या नहीं। नगरपालिका के स्वच्छता निरीक्षक बसंत डुलगज टीम के साथ लगातार क्षेत्र में घूमकर मृत कौओं के शव एकत्रित कर रहे हैं और उज्जैन रोड स्थित प्रेचिंग कंपाउंड में जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना रहे हैं। इनके अनुसार क्षेत्र में अब तक करीब 33 से अधिक कौओं की मौतें हो चुकी हैं, वहीं कई कौए मरणासन्न अवस्था में भी पाए गए। सुबह सफाई कार्य के परिभ्रमण के दौरान हमें मटन मार्केट में कुछ मृत कौवे मिले थे, जिससे संबंधित मेट को बुलवा कर हमने वो कौवे को उठवाए थे। उसके बाद हमने गणेश मंदिर के पास बड़े तालाब से भी कुछ कौवे मिले। उसके बाद हमें छावनी में भी आए तो यहाँ पे भी हमें मृत कौवे डिपो के पीछे मिले हैं। कुल मिला के आज हमें 33 कौवे मृत मिले हैं। किस तरह की कार्रवाई? जब ये कौवे इस मात्रा में हमें मृत मिले तो हमारे द्वारा पशु चिकित्सक डॉक्टर महाजन सर से चर्चा की गई, उनके द्वारा लैब टेक्नीशियन को भेजकर एक कौवा मृत लेकर सैंपल जो है उसका भोपाल भेजा है। वहां से उसकी पुष्टि होने के बाद पता चल पाएगा कि किस कारण से कौवों की मौत हुई है।